बिहार में हम सारण की बात कर लेते हैं। देखिए, सारण से लालू की बेटी का रण देखने को मिल रहा है। रोहिणी आचार्य जो उन्होंने रोड शो आज किया सारण में बड़ा, और कहा कि सारण की जनता के लिए जान न्योछावर, मरते दम तक सारण की सेवा करूंगी, सारण से चुनाव लड़ सकती हैं रोहिणी आचार्य। और उससे पहले उनका ये रोड शो एक ताकत देखने की कोशिश, जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि जनता उनके साथ नजर आ रही है, जरूरत पड़ी तो जान भी न्योछावर सारण की जनता के लिए। जैनेन्द्र का रुख कर लेते हैं। जैनेन्द्र, हालांकि रोहिणी आचार्य की एंट्री को बीजेपी घेर रही है ये कह के कि परिवारवाद साफ झलकता है, लालू ने अपनी बेटी को उतार दिया, बाकी बेटियों को कब उतारेंगे, लेकिन रोहिणी आज रोड शो कर रही थी और कह रही है जनता उनके साथ नजर आ रही है। बिल्कुल, जैनेन्द्र आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाती है ऐसे मामलों में, और स्वाभाविक तौर पर लालू यादव एक बहुत बड़े नेता हैं। सारण सारण सीट से लालू और उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ चुकी हैं, और इस बार जो है वो उनकी बेटी अपनी राजनीतिक पारी का आगाज कर रही हैं, तो वो उनका दावा भी अपनी जगह ठीक है कि लोग उनका साथ देंगे। अब लोग साथ हैं या नहीं है, लोगों का वोट लालू परिवार के लिए होगा या नहीं होगा, ये तो नतीजों में पता चलेगा। फिलहाल तो दोनों, चाहे वो बीजेपी का आरोप हो या फिर रोहिणी के दावे हों, वो अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल जो है वो उम्मीदों के मुताबिक ही हैं। जी ठीक है, ठीक है। जैनेन्द्र आप हमारे साथ रहिए, आगे भी आपसे बात होगी। और इसी बीच देखिए, लालू की बेटी पर बीजेपी की कड़ी टिप्पणी। बीजेपी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो कह रहे हैं, उनका एक बयान सामने आया कि सिंगापुर जा चुकी बेटी अब उम्मीदवार बनेगी। सम्राट चौधरी ने भी इस पर हमला किया, परिवारवाद को लेकर अटैक कर दिया है। दो बेटे दो बेटी मैदान में, पांच बहने बची हैं, और लालू जी का परिचय ही परिवारवाद है। तो रोहिणी आचार्य का चुनावी मैदान में उतरना, कैसे बीजेपी इसकी घेराबंदी कर रही है ये कहते हुए कि यहां भी परिवारवाद झलक रहा है, सिंगापुर जाने के बाद अब सारण आकर चुनाव लड़ रही हैं, दो बेटे दो बेटी मैदान में, पांच बहनें बची हुई हैं, ये सम्राट चौधरी का आरोप है और वो इस तरीके से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी इसे लेकर बयान दिया, लालू की बेटी को लेकर बीजेपी किस तरीके से अब पूरी तरह घेराबंदी करने में जुटी हुई है। जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी। देखिए, लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने दो बेटा दो बेटी को तो उतार दिया, हमारी पांच बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताएं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, आपसे इस पर बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये 24 की महाभारत कितनी महत्वपूर्ण हर एक दल के लिए, चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर दूसरी तरफ जिस तरीके से बीजेपी लगातार इसमें पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। रोहिणी आचार्य को इस तरह से घेरना कि सिंगापुर बैठी हुई थी, अब जाकर यहां आकर और चुनाव लड़ने का मूड बना रही है, हालांकि अभी उनको उनके नाम को लेकर कुछ कहा नहीं गया, लेकिन क्या ये काम करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब भी कभी मौका मिलता है इस मुद्दे पर तो हमेशा वो मुखर रहते हैं। परिवारवाद बहुत बड़ा हथियार के रूप में भाजपा ने इसे इस्तेमाल किया, और परिवारवाद की परिभाषा भी वो हमेशा लालू प्रसाद यादव और गांधी परिवार का उदाहरण देकर करते रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि परिवारवाद में, आज देखिए, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दो लोग विधायक हैं, और दो बेटी मीसा भारती को उन्होंने लोकसभा का टिकट दे दिया, साथ ही रोहिणी आचार्य को लोकसभा का टिकट दे दिया। भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद की एक अलग परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि जब कोई कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहा होता है, यदि उसका पिता भी राजनीतिक व्यक्ति होता है और लंबे समय से काम कर रहा होता है, तो उसे टिकट देना ये परिवारवाद नहीं है। लेकिन परिवारवाद वो है कि सिर्फ एक पार्टी पर एक ही परिवार का कब्जा रहना, यानी एक वो पार्टी उस व्यक्ति की वजह से जाना जाए, वो परिवारवाद है। बिल्कुल, और बीजेपी इस बार भी परिवारवाद का आरोप सीधे सीधे इस परिवार पर लगा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। Thank you.
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।